अब हम नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो नवीन लोक प्रशासन जो है वो 3 E पे फोकस करता है, ठीक है, इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिविटी, इन 3 E पे फोकस करता है, ठीक है। तो इसका जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिकतम क्षमता, ठीक है, इससे कार्य करना, ठीक है। और पुराना जो जो प्रबंधन था, लोक प्रबंधन, वो प्रक्रियाओं पर फोकस करता था, लेकिन ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिकतम क्षमता से कार्य करना, लोग नवीन लोक प्रबंधन इस पे फोकस करता है, ठीक है। पुराना जो था वो अधिक खर्च, एकाधिकार, दृढ़ वीएम नियम, ठीक है, ये सब मैक्स वेबर की नौकरशाही में हम देख सकते हैं। मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का वो सिद्धांत दिया, उसमें क्या था कि दृढ़ वीएम नियम थे। तो मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही की संकल्पना दी, उसमें प्रक्रियाओं पर अधिक फोकस, अधिक खर्च, एकाधिकार, दृढ़ वीएम नियम, तो ये जो विशेषता थी वो मैक्स वेबर की, या फिर पुरानी जो लोक प्रबंधन था उसकी विशेषताएं थी, जो कि 1992 से पहला था। वो केवल आपूर्ति पर फोकस करती थी, गुणवत्ता पर फोकस नहीं करती। जो नवीन लोक प्रशासन है वो परिणाम पर और गुणवत्ता पर फोकस करती है, ठीक है। तो नवीन लोक प्रशासन जो है, इसके उद्गम के क्या कारण थे, ठीक है। तो इसके उद्गम के कारण ये थे कि 1960 में लोक चयन उपागम आया। लोक चयन यानी जो बाजार में बहुत सारे विकल्प लेते और उसमें से चयन करते हैं, उसी प्रकार से 1960 के दशक में लोक चयन उपागम आया और नवीन दक्षिण पंथ का उद्गम हुआ और नव उदारवादी विचारधाराओं का निर्माण किया गया, ठीक है। नवीन दक्षिण पंथी और नव उदारवादी विचारधारा के कारण नवीन लोक प्रबंधन का विकास होता है। और जैसे ब्रिटेन में मार्केट थ्रेचर के सुधार और अमेरिका में रोनाल्ड लिंगन ने जो 1980 में सुधार किए, वो भी नवीन लोक प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण एक पृष्ठभूमि में के रूप में साधन है। और यूएसएसआर का जो अति राज्यवाद का सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। यूएसएसआर का अति राज्यवाद का जो सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं कम हुआ, जिसके कारण ये जो नवीन लोक प्रशासन बढ़ा, ठीक है। और जो 1991 में सिराकूज सम्मेलन हुआ और 80 के दशक में जो सूचना तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ, उससे कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन को बल मिला। पृष्ठभूमि में ये चीजें थी, कौन कौन सी, 1960 का लोक चयन उपागम, नवीन दक्षिण पंथ और नव नव उदारवादी विचारधारा, ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन के सुधार, एलपीजी, यूएसएसआर का अतिराज्यवाद का पतन होना, 1991 में सिराकूज इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन होना और 80 के दशक में सूचना तकनीक का प्रादुर्भाव होना नवीन लोक प्रबंधन के लिए जो नींव के पत्थर थे, उद्भव के कारण थे। अब जो लोक चयन उपागम है वो क्या है, तो सेवा आपूर्ति पर एकल, जो एक व्यक्ति से ही सेवा आपूर्ति नहीं है, अगर अनेक सेवा प्रदाता होंगे तो सभी क्या करेंगे, कंपटीशन के लिए सबकी रेट कम होती जाएगी और गुणवत्ता अच्छी से अच्छी होती जाएगी। तो यही लोक चयन उपागम है। बहुल संगठन होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो सस्ता गुणवत्ता युक्त वस्तुओं और सेवा प्राप्त होगी। और इसमें हम लोक चयन उपागम के लिए हमको जो प्रशासन है उसमें बाजार की भूमिका बढ़ानी होगी और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो फॉर्मूला है वो देना पड़ेगा। तो ये जो नवीन लोक प्रबंध है, प्रबंधन का नए आयाम है, उद्यमी शासन है, प्रबंधनवाद है, रीगो री इन्वेंटिंग गवर्नेंस है, ठीक है, बाजार आधारित लोक प्रशासन है, या फिर एलपीजी प्रभावित लोक प्रशासन है, ये सभी एक ही चीज है। और ये जो है इसके 14, इसके मतलब 10 इसके जो मेन पॉइंट है अकेडमर से आप याद रखेंगे, तो एक है एंटिसिपेटरी गवर्नेंस, ठीक है,
एंटीसिपेटरी प्रबंधन, इसका मतलब प्रत्याशित, पहले ही सोच लेना, कोई घटना नहीं घटी उससे पहले ही सोच लेना, घटना के जैसे कोई बाढ़ आई उसके बाद हम क्या उपाय कर रहे हैं वो नहीं, बाढ़ आएगी तो हमको पहले से पता रहेगा बाढ़ आएगी तो इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था, नाव और भोजन पानी व्यवस्था सबसे पहले ही करके रखना, एंटीसिपेट प्रत्याशित पहले ही सोच लेना, ठीक है? आज पहले से क्या क्या होने वाला है इसकी आशा, मतलब दूरदर्शी, ठीक है? फिर हो गया कस्टमर, जो हमारे ग्राहक नागरिकों को ग्राहक मानना चाहिए नागरिक, ठीक है? और इसमें आ जाएगा कम्पिटिटिव, कम्युनिटी ओन, कैटालिस्ट, डिसेंट्रलाइज, इंटरप्राइजिंग, मार्केट ओरिएंटेड, मिशन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड, ये सभी जो है ये नवीन लोक प्रबंधन के भाग हैं। तो एंटीसिपेटरी या फिर पूर्वानुमान वाली जो सरकार मतलब प्रबंधन है उसमें ये है कि निरोधात्मक प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चीज़ हो गई और उसके बाद आप उपाय खोज, ऐसा नहीं, उसको होने ही ना दो, ऐसी प्रबंधन करना है, ठीक है? और इस प्रबंधन के लिए हमको संरचनात्मक सुधार करना, ग्राहक ओरिएंटेड अगर प्रबंधन करना है तो उसके लिए हमको ई गवर्नेंस पर बल देना होगा, ठीक? ग्राहक 24/7 उसको सुविधा देनी होगी और गुणवत्ता और सस्ता सामान ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा। कैटलिस्ट गवर्नेंस ये होती है कि इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रन द बिजनेस, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू रन द बिजनेस। बिजनेस कौन चलाएगा? मार्केट चलाएगा, गवर्नमेंट का काम तो उसको सिर्फ रेगुलेट करना है, ठीक? कैटलिस्ट के रूप में काम करना, बाजार शक्ति से काम करवाना है, बाजार शक्ति से काम करवाने की गति को बढ़ा घटा गवर्नमेंट सकती है, लेकिन काम कौन करेगा? बाजार करेगा। समुदाय आधारित, तो एनजीओ और समुदाय से ही वो अपने लिए खुद सेल्फ गवर्नमेंट का स्थापना हो, ऐसा हमको बनाना है समुदाय में। प्रतिस्पर्धा, तो बाजार आधारित होने से सस्ता और गुणवत्ता युक्त उत्पाद ग्राहकों को मिल पाएगा, ठीक है? और विकेंद्रीकरण, जो से हम पंचायत के रूप में देख सकते हैं, विकेंद्रीकरण जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हम पंचायत के रूप में देख सकते हैं। इंटरप्राइजन, पैसा खर्च करना और कमाना, ठीक है? गवर्नमेंट का लक्ष्य जो अब नवीन लोक प्रबंधन है उसमें केवल पैसा खर्च करना नहीं, इसमें गवर्नमेंट खुद एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट बन रही है, उसमें पैसा कमाना भी गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है, क्योंकि वित्त तो रक्त है किसी भी संगठन का, तो वो अति आवश्यक है, तो इसके लिए पैसा कमाना है, ठीक है? और उसका फिर उचित और अनुकूलतम उसका उपयोग करना, अंत पंगत के अंतिम व्यक्ति की जो पातड़ है उसमें उसको जो भोजन है वो मिले उसको, ठीक है? और बाजार में निजी विशेषता को लाभ देना, ठीक है? और परिणाम जो उन्मुखी है उसमें पेपरलेस और ई गवर्नमेंस का इसमें प्रस्तुत हो, पेपरलेस और ई गवर्नमेंट से अधिकतम परिणाम जो प्राप्त हुए, ऐसा ये 10 जो सिद्धांत है वो नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं। अब हम आगे देखेंगे परिवर्तन का प्रबंधन, तो नियत अवधि में बाहरी परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना ही परिवर्तन का तो परिवर्तन का प्रबंधन क्या है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं बाहरी परिस्थिति में तो उनके अनुरूप अपने अंदर परिवर्तन करना, ठीक है? नियत अवधि में बाहरी परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना ही परिवर्तन का प्रबंधन है। तो यह परिवर्तन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो ग्राहक की आकांक्षा बदल रही है, पहले सिर्फ आपूर्ति पर फोकस किया जाता था, आज गुणवत्ता पर भी फोकस कर दिया जा रहा है, अनुकूलता जो है वो बड़ी है और तीव्र लक्ष्य प्राप्ति, हर कोई तेज गति से कार्य करना चाहता है, कार्यकर्ता का तालमेल हमको बैठाना होगा, इससे प्रशासन में अनुकूलता आती है और इसमें नकारात्मक बिंदु को हटाने में भी मदद मिलती है, ठीक है? कार्यकर्ता का तालमेल सुनिश्चित होता। तो परिवर्तन अब हम कहाँ करें, ठीक है? जो हम बाहरी वातावरण के अनुसार परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन कहाँ करें? तो सबसे पहला परिवर्तन हमको करना होगा संरचना के स्तर पर। तो पद सोपानिक जो संरचना होती है, नॉन गैर ब्यूरो
मैट्रिक और स्व अनुशासन वाली संरचना का हम निर्माण करें। जो परिवर्तन है हमें कहाँ करना है, तो जो पद सौंपाने की जो संरचना है उसको हमको गैर ब्यूरो और मैट्रिक्स संरचना बनानी है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे और त्वरित गति से विकास कर पाएंगे। इसमें हम स्व अनुशासन को भी बढ़ावा देना होगा। इसके बाद प्रक्रिया के स्तर पर हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसमें हम सूचना तकनीक और सूचना तकनीक ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम प्रयोग करें कहीं कहीं प्रशासन में, और एकल खिड़की का प्रयोग किया जाना चाहिए। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, तो ग्राहक की शिकायत निर्माण की जो उसको ग्राहक के शिकायत निवारण का शिकायत का निर्वहन करना और सेवा गारंटी एक्ट के तहत उसको सेवाओं की गारंटी सुनिश्चित करें। तो परिवर्तन कैसे करें, तो कर्ट लेविन ने परिवर्तन करने का एक प्रतिमान दिया है। क्या दिया है कि फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, रिफ्रीज, ठीक है, ये प्रतिमान दिया है। किसी भी संगठन में परिवर्तन करना है तो इस पर चले आप, फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, रिफ्रीज, फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, ठीक है, ये फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, ठीक है। तो पहले तो आप सामान्य कार्य जैसे संगठन है तो उसके कुछ सामान्य कार्य होंगे और कुछ विशिष्ट कार्य होंगे, ठीक है, तो हमको उसमें परिवर्तन करना है संगठन में। तो ऐसा परिवर्तन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं वो तो होते रहें और जो दैनिक कार्य हैं उनको धीरे धीरे उनमें सुधार होते रहें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको सामान्य कार्य तो संचालित होते रहे और जो दैनिक कार्य हैं उनको स्थानांतरित, जैसे हम ऐसे सोच लेते हैं कंप्यूटर, जैसे कोई भी जो कंप्यूटराइज करना किसी भी चीज़ को, तो किसी भी संगठन में कंप्यूटराइजेशन करना है तो सामान्य कार्यों का संचालन तो होता रहे, जो एक जो नागरिक आपूर्ति जैसे बिल, जैसे अपन बनाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया अपनानी, तो जो एकदम गरीब मतलब बिल्कुल जिसको कुछ पता नहीं पड़ता उसके लिए तो आपको वही व्यवस्था सुचारू रखनी चाहिए, और पीछे से आप बैकडोर में आप जो है वो डिजिटलाइज करते रहे सामान्य कार्य होते रहे और दैनिक कार्यों का स्थानांतरण उसको कंप्यूटराइजेशन हो जाए, ठीक है, ये चेंज होता रहे, कुछ कार्यों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और फिर उनमें चेंज किया जाए और महत्वपूर्ण कार्य होते रहे, ठीक है। इसके बाद उसमें फिर चेंज होने के बाद उसको वापस सबके लिए सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहे, फिर देखें कि किसमें जो सुधार की और आवश्यकता है या फिर कौन अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा उस सिस्टम को वापस से ठीक करें। तो ये फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज और रिफ्रीज, रिफ्रीज यानी कोई अगर कमी रह गई हो तो उसको वापस फ्रीज करके, वापस उसको चेंज करके वापस अनफ्रीज किया जाए, ठीक है। तो कर्ट लेविन का प्रतिमान जो चेंज के लिए है तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो फिर तुरंत संचालन, फिर पुनः प्रबंधन, इस प्रकार से फ्रीज, चेंज, अनफ्रीज, रिफ्रीज, ये कर्ट लेविन का परिवर्तन का प्रतिमान है। तो अब जो परिवर्तन कैसे होगा, तो एक तो हो सकता है कि प्रशासनिक आप पुनर्गठन, मतलब कि संरचना और प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तन करना प्रशासनिक पुनर्गठन कहलाता है। संरचना और प्रक्रिया में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन, ठीक, प्रशासनिक पुनर्गठन, प्रक्रिया और संरचना में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन प्रशासनिक पुनर्गठन कहलाता है। इसके बाद प्रशासनिक विकास किसे कहेंगे, तो संरचना और प्रक्रिया और व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन, विकास यानी क्रमिक, थोड़ा ऊपर थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा, अच्छा ऐसे, ठीक है। तो प्रशासनिक विकास कैसे कहेंगे, तो इस प्रशासन क्या है, संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार, इसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन, अच्छा 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 होता रहे, ये विकास, ठीक है। इसके बाद प्रशासनिक सुधार क्या है, तो जानबूझकर मूल्य प्रेरित बदलाव, ठीक है, प्रशासनिक सुधार क्या है, जानबूझकर मूल्य प्रेरित प्रशासनिक बदलाव जिसमें अवरोध देखने को मिलता है, ठीक है।
कुछ ना एक सुधार, जैसे सुधार करना किसी भी चीज में, तो उसमें कुछ जो पुराने कर्मचारी और कुछ जो लालच कर्मचारी होंगे तो वो थोड़े इससे इसका विरोध भी करेंगे, जो सुधारों का विरोध किया जाता है, ठीक है। तो जानबूझकर मूल्य प्रेरित बदलाव, ठीक है, प्रशासनिक सुधार क्या है, जानबूझकर मूल्य प्रेरित बदलावों को प्रशासनिक सुधार कहते हैं। इसमें अवरोध भी देखने को मिलता है, इसको प्रशासनिक सुधार कहते हैं। और प्रशासनिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो आमूलचूल परिवर्तन, प्रशासन में आमूलचूल, जैसे हमारा जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट में जो हमारे प्रशासन था वो एक खून चूसने वाला पुलिस राज्य था, ठीक है, प्रताड़ित करने वाला था, लेकिन आजाद होने के बाद वही एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन हुआ, तो उसको प्रशासनिक आंदोलन, आमूलचूल, बिल्कुल सभी सिद्धांतों विपरीत सिद्धांतों, ठीक है। तो नागरिक को उन्मुखी प्रशासन, प्रशासनिक आंदोलन, मैट्रिक्स कहते कहते हैं, तो मैट्रिक्स जो है ये क्रिस आर्गिस की संकल्पना है, ठीक है। तो इसमें समय समय पर बदलाव के कारण विशेषज्ञता आदान और स्व अनुशासन, ठीक है। तो मैट्रिक्स संरचना ये है कि कहीं भी आप जो है आड़ा तिरछा, जो आड़े तिरछा ऊपर नीचे और क्षैतिज दिशा में संचार की व्यवस्था होती है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है कि सभी कर्मचारियों में स्व अनुशासन का गुण डेवलप होता है और ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती है। और इसमें मैट्रिक्स जो हमारा संगठन है उसमें हम समय समय पर चेंज भी कर सकते हैं।